अगर आपको कम मेहनत करके स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाना है तो आपको ये वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से गाजर का हलवा बनाया है और स्वाद में एकदम मज़ेदार, देखने में एकदम हलवाई जैसा। तो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो चलिए इस गाजर के हलवे की रेसिपी का शुरू करते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने 1 किलो गाजर। तो गाजर को हमने पहले से अच्छे से धुल के इसको छील लिया और छीलने के बाद इसको हम ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसके लिए आपको लाल गाजर लेनी है, जिससे गाजर का हलवा का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है। अगर मोटी गाजर है तो बीच में जो इस तरह से काटने के बाद लाइट कलर का पार्ट होता है ना, इसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी रेशे रहते हैं। तो अगर इसको नहीं निकालेंगे तो गाजर के हलवा में रेशे आ जाएंगे। अगर पतली गाजर है तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सारी गाजर को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम डाल देंगे एक कुकर में। इसको हमने कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर हम सिर्फ 1 गिलास दूध से गाजर का हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध हमने मलाई सहित ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा 1 गिलास दूध इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर डालेंगे हम 1 कप चीनी। तो चीनी को भी हम इसी समय डाल देंगे और 2 चम्मच घी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें हम मिला देंगे। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है और अब इसमें ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। यहाँ पर 2 सीटी आ चुकी थी और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, गाजर एकदम बढ़िया से पक चुकी हैं और बहुत ही सॉफ़्ट हो गई हैं। तो बस हमें ऐसे ही सॉफ्ट गाजर चाहिए। तो ये देखिए, चम्मच से दबाने पे ना एकदम जो है मैश हो रही है। कोई पोटैटो मैशर ले लीजिए या फिर आप जिसे दाल निकालते हैं ना, ये चिमचा ले लीजिए और बस इससे इसी तरह से दबाते हुए गाजर को मैश कर दीजिए। और बहुत ही जल्दी से मैश हो जाती है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए गाइस, बस 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से मैश हो गई है। ये देखिए, अगर थोड़े बहुत टुकड़े रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अभी तक गैस पे रखनी है 1 कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। और घी जब गर्म हो जाए तो इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पे 10-12 बादाम को काट के ले लिया है। तो इसको हम 2 सेकंड तक भून लेंगे। बादाम को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए बादाम को हमने पहले डाला। 10-12 काजू लिया है और इसको भी हम 2 सेकंड तक भून लेते हैं। 4-5 इलायची को छील के ले लिया है और छील के सहित ही हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर आधे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेते हैं और इसमें आधे हम बचा रखते हैं। तो ये हम गार्निश करने के लिए ऊपर से रख लिया है। इसी कढ़ाई में जो हमने गाजर को मैश करके रखा है उसको हम डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। जब तक इसका पानी थोड़ा सूख नहीं जाता है तब तक हमें भून लेना है। तो जब भून जाए तो उसके बाद हमने इसमें डाला है दूध की मलाई। तो गाइस, यहाँ पर हमने कोई मावा यूज़ नहीं किया है, कोई पनीर यूज़ नहीं किया है। तो इसको टेस्टी बनाने के लिए हमने लिया है 3 दिन की मलाई। तो ये फ्रेश दूध की 3 दिन की मलाई है और मलाई डाल देने से इसमें पूरा मावा का टेक्सचर आएगा, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें मलाई में मिल जाएंगी। तो बस मलाई डाल के हमें इसे साथ में भून लेना है। आप इस तरीके से एक बार गाजर का हलवा बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए गाइस, भूनते हुए काफ़ी सूखा हो गया, बस थोड़ा सा इसे हमें और भून लेना है और हलवा बनके ये देखिए एकदम तैयार हो गया है और कढ़ाई की तली को ऐसे छोड़ दे रहा है। तो देखिए, गाजर का हलवा जब ऐसे छोड़ने लगे तो बस समझ लीजिए कि ये बढ़िया सा भुन गया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और देखिए ना, कितना बढ़िया एकदम हलवाइयों जैसा टेक्सचर आया है और पूरा घी को भी इसने छोड़ दिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार है। तो गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए बेल आइकन के साथ में। और रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।